हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के बारे में। गाइस, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टाइम टू टाइम स्कीम्स लेके आती है इंडिया में, जो योजनाएं लेके आती हैं, तो बेसिकली उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप कर लिया जाता है। तो गाइस, इस वीडियो की सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट जितने टाइप्स के स्कीम जो अभी करेंटली रनिंग पोजिशन में इंडिया में और जो आने वाले हैं, बेसिकली उनके बारे में कुछ ब्रीफ में हम लोग एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके टाइटल के बारे में समझ लीजिए कि इस स्कीम का टाइटल क्या है। तो टाइटल है स्टैंड अप इंडिया स्कीम फॉर एससी एसटी एंड वुमेन एंटरप्रेनर्स। ठीक है, तो मतलब तीन कैटेगरी के लोगों के लिए ये बेसिकली जो स्कीम है वो लाई गई थी। ये स्कीम कब लेके आई गई थी? तो बेसिकली ये स्कीम लेके आई गई थी 5 अप्रैल 2016। ओके, 5 अप्रैल 2016 को ये स्कीम इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो बेसिकली इस अप्रैल में 5 अप्रैल को बेसिकली ये 6 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। 6 ईयर्स हैज बीन कंप्लीटेड टिल 5 अप्रैल 2022। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर इस जो स्कीम जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। तो बेसिकली इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बैंकों के थ्रू 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के लोन फाइनेंशियल हेल्प आपको प्रोवाइड करवाएगी। किस किस को? तीन कैटेगरी को, एससी एसटी और वुमेन एंटरप्रेनर्स को। अब वो किस में फाइनेंस करवाएगी? ये आपको फाइनेंस करवाएगी ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस। अब गाइस, ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस क्या होते हैं कि ऐसे मतलब ऐसे स्टार्टअप्स जो कि पहले कभी नहीं हो, मतलब बिल्कुल नया नया स्टार्टअप हो, अगर उससे आप बिलोंग करते हो, उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए बैंक से, तो आपको 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, यह आपको इंडिविजुअल भी प्राप्त हो सकता है, और अगर आप नॉन इंडिविजुअल ग्रुप से हो तो नॉन इंडिविजुअल ग्रुप की कंडीशन में बेसिकली क्या होगा कि 51% जो स्टेक होल्डर है, मतलब उसकी जो स्टेक होल्डिंग है, वो बेसिकली आपको एससी एसटी या वुमेन एंटरप्रेनर्स के पास होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इससे करंट न्यूज की बात कर लेते हैं कि अभी करंट में जैसे इसके 6 साल पूरे हो गए 5 अप्रैल 2022 को, तो इसमें क्या क्या है, इसमें जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है वो बेसिकली क्या डाटा है कि अब तक मतलब 6 सालों में बेसिकली ये लोग 30,160 करोड़ रुपए टोटल प्रोवाइड करवा चुके हैं, जिसमें 1,33,995 अकाउंट थे। ठीक है, ये डाटा आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा और अगर थोड़ा डिटेल में जाए तो जिसमें एसटी के 6,435 अकाउंट्स खोले गए, जिसमें 1,373 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए गए। एसटी के 19,310 अकाउंट्स खोले गए और 3,976 करोड़ रुपए प्रोवाइड करवाए गए। देन वुमेन के 1,08,250 अकाउंट्स खोले गए वुमेन के, और 24,809 करोड़ रुपए इसमें प्रोवाइड कराए गए। तो गाइज, ये था स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ ही जाएगा, और अगर आपको प्लीज हेल्पफुल लगी वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।